नगर के रेस्ट हाउस में शिवसेना संगठन जिला अध्यक्ष के द्वारा आवश्यक बैठक रखी गई। बैठक में संगठन को मजबूती प्रदान करने तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को संगठन में जोड़ने तथा नगरीय निकाय क्षेत्र में किए गए कार्यों, नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के संबंध में विशेष चर्चा की गई तथा उपस्थित शिवसेना संगठन के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग इसलिए रखा गया था कि मतलब सदस्यता अभियान चलाना है नगर में, गांव-गांव में, हर क्षेत्र में, ब्लॉक में, जिला में। अब तक कितने शिवसेना संगठन में जुड़े? बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, लेकिन आए आज नहीं आ पाए हैं कुछ कारण। शिवसेना द्वारा मीटिंग रखा गया था, वो आज गांव-गांव में सदस्यता अभियान चलाने के लिए मीटिंग रखा गया था। जहां हमारा आदमी नहीं है वहां पर सदस्यता चलाने के लिए और सभी को एकजुट रखने के लिए। आज हमारे द्वारा शिवसेना जिला सारंगढ़ बेगढ़ शिवसेना उद्धवलाल ठाकरे द्वारा आज नगर के भड़गांव में रेस्ट हाउस में मीटिंग रखा गया था। हमारी मीटिंग इस रूप से थी कि हम लोग लगातार तो काम कर रहे हैं, सक्रिय रूप से लगातार जनहित के लिए काम कर रहे हैं, लगातार नगर के हितों के लिए, नगर के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हमें आगामी जो चुनाव है इस संबंध में विषय हम लोग चर्चा किए हैं कि हम लोग जितना नगर निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, सभी हमारे प्रत्याशी उतरेंगे और नगर भड़गांव के हर एक वार्ड में हमारे प्रत्याशी उतरे जाएंगे। साथ ही लगातार पार्टी विस्तार और ऐसे कई हमारे संपर्क में है जनता कांग्रेस के जो हमारे साथ आना चाहते हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी मीटिंग यही रुक थी कि लगातार हम लोग संगठन को सुचारू रूप से बढ़ाएँ, विस्तार करें और पार्टी का संगठन आगे बढ़ाएँ। लगातार नगर हित में हम लोग आगे लड़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ देखने को ये भी मिल रहा है शासन प्रशासन भी सुस्त है एकदम, उसको भी मैं कहना चाहूँगा। लगातार हमारे सारंगढ़ जिला जिला नया जिले बनने के बाद एकदम सुस्त नजर आ रहा है, कहीं कोई किस तरह की कार्रवाई। नगर के हित के लिए क्या क्या आवेदन दिए? नगर हित के लिए अभी तक हम लोग पानी की समस्या के लिए लड़े थे, हम लोग कहीं के नाली की समस्या के लिए लड़े थे, हम लोग आवास होने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लगातार हम लोग जनहित के लिए सम्मान जो गौरव पद में लोग के द्वारा वो कांग्रेस बनाया जा रहा है, रोड किनारे जो टर्निंग पॉइंट है उसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं भड़गांव के जनहित के लिए, सम्मान के लिए। और ये भी देखने को मिल रहा है कि लगातार विकास की बातें करते हैं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, लेकिन हमें विकास कहीं भी नजर नहीं आता। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए, ऐसा विकास तो अंग्रेज भी करते थे लेकिन उनको हमने क्यों भगाया। हमें विकास तो चाहिए लेकिन हमें विनाश नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी हमारी मुद्दा है। और लगातार हम लोग सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और हमारे नगर पंचायत चुनाव में हम लोग द्वारा प्रत्याशी उतारा जाएगा और हम पक्का इस बार विजय होकर आगे परिषद में पहुंचेंगे। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से बसंत सोनी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।